ब्रिटेन के शहर एम्बलसाइड में स्थित ब्रिज हाउस लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में इस छोटी सी इमारत को स्टॉक बेक नदी के ऊपर बनाया गया था। इस एक मंजिला इमारत का डिजाइन बहुत निराला है, जिसमें बाहर की तरफ सीढ़ी से जुड़े दो छोटे कमरे हैं। छत पारंपरिक स्लेट परतदार पत्थर से बनी है, जिसके ऊपरी हिस्से पर छोटी टाइलें लगी हुई हैं। कहते हैं कि नदी के ऊपर बने पुल पर इस इमारत को इसलिए बनाया गया था ताकि लैंड टैक्स न देना पड़े। हालांकि इस बारे में साफ जानकारी नहीं है कि ब्रिज हाउस कब बनाया गया था, लेकिन यह जरूर पता है कि इसे किसने बनवाया था। 17वीं सदी में ब्रेथवेट परिवार पास के एम्बलसाइड हॉल में रहता था। ब्रेथवेट्स को स्टॉक बेक से दूर स्थित अपनी संपत्ति तक पहुंचने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रेथवेट्स ने पहले नदी पर एक पुल का निर्माण किया और बाद में अपने आसपास के बागों से सेबों को स्टोर करने के लिए पुल के ऊपर एक घर बनाया। हालांकि कुछ का मानना है कि यह पुल कई शताब्दियों पहले का भी हो सकता है। ब्रिज हाउस में प्रत्येक किनारे पर दरवाजे खुलते थे ताकि लोग घर के अंदर से गुजर सकें। पिछले दरवाजे को बाद में बंद कर दिया गया और वहां एक चिमनी लगा दी गई थी, लेकिन आप 17वीं शताब्दी के मूल द्वार के निशान आज भी देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिज हाउस का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए किया जाने लगा था। कहते हैं कि यह घर कभी एक बुनकर की दुकान, मोची की दुकान, एक प्राचीन वस्तु की दुकान, एक कुर्सी बनाने वाले की दुकान और एक चाय की दुकान के रूप में उपयोग किया जा चुका है। आज यह जगह एम्बलसाइड शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दूर दूर से लोग पुल पर बने इस छोटे से घर को देखने के लिए आते हैं।